अब अपन बात करते हैं वेक्टर एंड थ्री डी थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री। ओके, ये है अपने पास एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस ये हो गई वाई एक्सिस। ध्यान से समझना है, वेक्टर और थ्री डी दोनों को मैं एक साथ लूंगा। ये यहां पर इसके परपेंडिकुलर में एक जेड एक्सिस और आ जाती है अपने पास, जो इस डायरेक्शन में रहेगी। इसलिए मैं इसको इस तरीके से डैश 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 लाइन से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ये ब्लू कलर वाली है अपनी जेड एक्सिस। ये है पॉइंट आपके पास ओरिजिन, जीरो जीरो जीरो। क्या है ये ओरिजिन? इसके कोऑर्डिनेट 3D के अंदर जीरो जीरो। अब अपन बात करते हैं कि यहां पर मैंने एक पॉइंट लिया है, पी पॉइंट ले लेते हैं इसको, या ए पॉइंट ले लेते हैं। ये ए लिया है, इसके कोऑर्डिनेट हैं एक्स वन वाई वन एंड जेड वन। ठीक है, इसका मतलब इसकी यहां से एक्स एक्सिस पे जो डिस्टेंस है यहां से लेकर यहां तक की, ये तो हो गई एक्स वन। ठीक है, वाई एक्सिस पे जो डिस्टेंस है यहां से लेकर यहां तक की, ये हो गई वाई वन। और ये है जेड एक्सिस पे, यहां से लेकर यहां तक की जेड एक्सिस पे डिस्टेंस हो गई जेड वन। ओके, ये यहां से एक्स एक्सिस पे कितना इंटरसेप्ट कट कर रहा है, एक्स वन, वाई एक्सिस पे वाई वन, जेड एक्सिस पे जेड। अगर इसी पॉइंट को मैं यहां पर ओरिजिन से मिला देता हूं, इसी पॉइंट को क्या किया मैंने, ओरिजिन से मिला दिया। ठीक है, तो ये ही बन जाएगा वेक्टर ए बन जाएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए। ओके, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए, यानी ए से जीरो की, जीरो ओरिजिन के रेस्पेक्ट में ए पॉइंट कहां पर होगा। ठीक है, तो इस पॉइंट के लिए और इसके लिए अगर अपन बात करते हैं किसी जनरल पॉइंट के लिए, तो उस कंडीशन में उसका पोजीशन वेक्टर को मैं अगर आर से रिप्रेजेंट करूं, आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। वेक्टर के अंदर एक्स एक्सिस को तो अपन क्या है आई कैप से, वाई एक्सिस को जे कैप और जेड एक्सिस को के, ये वेक्टर की। तो एक्स और मैंने इसके जो लोकस ऑफ जो पॉइंट एक्स वाई जेड को मैंने आर से रिप्रेजेंट किया। अगर इसका आर कोई भी पॉइंट है और उसकी ओरिजिन से मैं डिस्टेंस निकालना चाहता हूं, या इस पॉइंट की ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना चाहता हूं, वेक्टर ए मोड, क्या बोलते हैं उसको, वेक्टर ए का मोड, यानी ओरिजिन से उस पॉइंट की डिस्टेंस, तो वो आ जाती है अपने डिस्टेंस फॉर्मूले से, क्या एक्स वन माइनस जीरो होल स्क्वायर, वाई वन माइनस जीरो होल स्क्वायर, जेड वन माइनस जीरो होल स्क्वायर। यानी अपन इसको क्या लिख देते हैं, रूट ऑफ एक्स वन स्क्वायर वाई वन स्क्वायर और जेड वन स्क्वायर। ओके, वेक्टर का यही फॉर्मूला है। तो इन्हीं पॉइंट के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला, ये सारे फॉर्मूले उसी रेस्पेक्ट में अपने पास आते हैं। अब अपन यहां पर
जो इसको आगे बढ़ाते हुए इसमें यूज में ले रहे हैं वो है डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन सबसे पहले इनके ऊपर बात करते हैं। और वेक्टर फॉर्म में क्या होगा और कार्टेशियन फॉर्म में क्या होगा, ये तो है इसकी कार्टेशियन फॉर्म और ये है इसकी वेक्टर फॉर्म। अब बात करते हैं कि सबसे पहले डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन रेशियो के लिए अपन बात करते हैं किसी भी एक पॉइंट का डीसी ऑफ अ पॉइंट, किसी एक पॉइंट के लिए बात कर रहे हैं, ए पॉइंट के लिए जिसके कोऑर्डिनेट है एक्स वन वाई वन जेड वन, ठीक है। तो एक्स एक्सिस पर इसको रिप्रेजेंट करते हैं ए बी और सी से अपन, है ना। तो यहां पर डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो डी आर लिख रहा हूं पहले, है ना, डायरेक्शन रेशियो पहले निकालेंगे। तो ए बी सी क्या होगा ये अपन लोगों को देखना है, ए इक्वल टू एक्स वन, बी इक्वल टू वाई वन, सी इक्वल टू जेड वन, यानी एक्स एक्सिस पर किस रेशियो में वो कट कर रहे हैं, ठीक है। दैट इज द डायरेक्शन रेशियो ऑफ पॉइंट, ओके। अगर अपन बात करते हैं डी सेकेंड डायरेक्शन, ये तो डी आर हो गया। अब अपन बात करते हैं डी सी डायरेक्शन कोसाइन क्या हो, डायरेक्शन कोसाइन को अपन रिप्रेजेंट करते हैं एल एम और एन, डायरेक्शन रेशियो तो स्मॉल ए बी सी से और डायरेक्शन कोसाइन एल एम, इनमें आपस में और इसमें क्या रिलेशन होगा। ये जो पॉइंट है ये एक्स एक्सिस के साथ में मान लिया जाए अल्फा एंगल बनाता है, वाई एक्सिस के साथ में बीटा एंगल बनाता है और जेड एक्सिस के साथ में गामा एंगल बनाता है, अल्फा बीटा और गामा। तो डायरेक्शन कोसाइन जो है वो एल इक्वल टू होगा कोस अल्फा, एम इक्वल टू होगा कॉस बीटा, एन इक्वल टू होगा कॉस गामा, ठीक है। और इनमें आपस में क्या रिलेशन होगा डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो में, ये भी यहीं पे लिख लेते हैं ताकि दोनों काम अपने हो जाएंगे। एल इक्वल टू कॉस अल्फा इज इक्वल टू ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये हो जाएगा बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये हो जाएगा सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यानी एक्स वन अपॉन ये एक्स टू अपॉन एक्स वन, ये वाई वन और ये जेड वन के अपॉन में अंडर रूट एक्स वन स्क्वायर वाई वन स्क्वायर और जेड वन स्क्वायर, और रूट के अंदर दोनों में वैल्यू सेम टू सेम। डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो। अब अपन बात करते हैं सेकेंड नंबर पे डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट की बात करते हैं जिसके कोऑर्डिनेट हैं ये ए और बी पॉइंट ले लेते हैं, ए के हो गए एक्स वन वाई वन जेड वन, बी का हो गया एक्स टू वाई टू और जेड। तो ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू एक्स टू माइनस एक्स वन वाई टू माइनस वाई वन जेड टू माइनस जेड वन, एल एम और एन में रिलेशन वही रहेगा ए बी सी को निकालने के बाद, कॉस अल्फा कॉस बीटा एंड कॉस गामा।
ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी अपॉन सेन, सी अपॉन सेन। डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन सबसे पहले अपन पढ़ेंगे, इनमें और इनकी वेक्टर फॉर्म में किस तरीके से कनेक्टिविटी होती है ये भी अपन देखते हैं। और यहाँ पर एक चीज और लिख लेते हैं, एल एम एन जो होते हैं उनमें आपस में भी किस तरीके का रिलेशन होता है, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू। सबसे पहले ये तीन पॉइंट आप नोट कर लीजिए,